नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बारिश का अनुमान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसेंगे बादल। आज गुजरात में कुछ जगह काफी भारी वर्षा संभव, तो सौराष्ट्र और कच्छ में कल हो सकती है भारी से भारी वर्षा। आज पश्चिमी राजस्थान में चलेंगी तेज हवाएं, कल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दो दिन दक्षिण पश्चिमी और मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। बता दें आपको, रविवार को केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही ऐसी स्थिति में फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं दो दिन गुजरात में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। वहीं सोमवार को सौराष्ट्र कच्छ में कद्दुका जगहों पर काफी भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही है। बता दें आपको, दो दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बरसात हो सकती है। इसके साथ ही रविवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही रविवार को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं, तो दो दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान बना हुआ है। और वहीं रविवार को पश्चिमी राजस्थान में कद्दूका जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं बारिश के पूर्वानुमान के बारे में और जान लेते हैं अगले दो दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात पहाड़ी क्षेत्रों की करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में दो दिन कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दो दिन कई जगह बरसात का अनुमान है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में दो दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत की बात करें तो दो दिन बिहार के कई इलाकों में और झारखंड में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही ओडिशा में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बरसात की संभावना है। दो दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरस सकता है। उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बरसात होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पश्चिम मध्य प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल ज्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिम भारत के मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कई जगह तो मराठवाड़ा में कुछ जगह बादल बरसेंगे। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में दो दिन अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी आज अधिकतर जगह तो कल कई स्थानों पर वर्षा होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई जगह तो तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरसने की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है।
तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में दो दिन बारिश होगी। वहीं आज उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तो कल कहीं कहीं वर्षा संभव है। केरल में आज ज्यादातर जगह और कल कई जगह बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि अंडमान निकोबार में दो दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश के कौन कौन से इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात के हाल के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हुई, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल बरसे, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई, पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बरसात देखने को मिली, मध्य प्रदेश में कुछ जगह तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह बारिश हुई, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह वर्षा हुई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह पानी बरसा, विदर्भ, कोंकण और गोवा में अधिकतर जगह बरसात हुई, तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह बारिश हुई, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगह बादल बरसे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा हुई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात हुई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाएं चली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चली, ओडिशा और झारखंड में कई इलाकों में तेज हवाओं का असर रहा, बिहार के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चली, केरल में कुछ जगह तेज हवाओं का असर रहा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चली। तो ये था मौसम का हाल, जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं तापमान की स्थिति का, और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। तो अभी आपने जान लिया तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती किसानी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी हम आपको बताएंगे कि ये जो समय है बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में फसलों को बेहतर देखभाल की जरूरत होती है और ऐसे में कई फसलों की बुआई और रोपाई का भी समय चल रहा है, तो आपको कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। कौन से प्रबंधन कार्य करना इस मौसम में सही रहेगा जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम में साली धान की रोपाई का काम करें। 15 सेंटीमीटर लंबी धान की पौध होने पर जिसमें 3 से 4 पत्तियां आ गई हों उसकी रोपाई की जा सकती है। असम के किसान धान की बुआई जारी रखें और बुआई के लिए फूलगोभी की नर्सरी तैयार करें। असम में किसान तैयार धान की जल्द से जल्द कटाई कर लें। किसान बारिश के मौसम को देखते हुए समय पर तैयार फसल की कटाई करें और कटी हुई फसल को सूखी जगह पर रखें ताकि बारिश के पानी से फसल को नुकसान ना पहुंचे। अगर फसल में नमी है तो उसे स्टोर करने से पहले सुखाना जरूरी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में पानी की सही मात्रा का बंदोबस्त करें। अगर बारिश की वजह से ज्यादा पानी फसल में भरा हुआ है तो उसे निकालने का काम करें। अगर अदरक, मक्का और केले के खेतों में बारिश का फालतू पानी भर गया है तो उसे भी बाहर निकालने का काम करें। सेम के पौधों को सहारा दें और सुनिश्चित करें कि पौधों की जड़ों में पर्याप्त मिट्टी है या नहीं। अगर नहीं है तो पौधों की जड़ों को मिट्टी से कवर करें। मेघालय में निचले इलाकों में साली धान की नर्सरी की बुआई जारी रखें। तो जाना अपने क्षेत्र के अनुसार इस समय आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने की जरूरत है जिससे आप अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में आपको बताएंगे सीताफल की खेती के बारे में। ये जो समय है सीताफल की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल है, और अगर विशेषज्ञों की सलाह से इसकी बुआई की जाए और साथ ही इसकी बेहतर तरीके से देखभाल की जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किस तरह से इसकी बुआई करनी चाहिए और किस तरह से देखभाल हाल करने की जरूरत है जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सीताफल की बुआई के लिए ये समय एकदम अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी, मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड ए उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 500 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसके फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए कार्बरिल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें।
तो इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया आपने, सीताफल की खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी तैयारियां करने की जरूरत है, बुआई किस तरह करनी है, देखभाल के लिए प्रबंधन कार्य किस प्रकार करने हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे पंजाब के किसानों को सलाह है, बासमती धान की बुआई का कार्य पूरा कर लें। इसके साथ ही पंजाब के ही किसान धान की रोपाई का कार्य जारी रखें और सावधानी पूर्वक इसकी रोपाई कर लें। पंजाब में मक्का की बुआई का कार्य भी पूरा कर लें किसान, बिल्कुल सही समय है ये। और वहीं हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर भी किसानों को सलाह है, धान की रोपाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं हरियाणा में किसान कद्दू और खीरे की बुआई का काम भी इस समय कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के ही किसानों को सलाह है कि भिंडी की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही समय है ये। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो झारखंड के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है, अरहर मक्का मूंग उड़द और मूंगफली की बुआई का कार्य कर लें। इसके साथ ही झारखंड के निचले हिस्सों में धान की रोपाई का कार्य इस समय किया जा सकता है, इसके लिए भी तैयारियां कर लें किसान। वहीं ओडिशा में धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें किसान। साथ ही ओडिशा के किसान मक्का अरहर रागी की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है ये। और ओडिशा के ऊपरी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई का कार्य किया जा सकता है, यहाँ के किसानों के लिए सलाह है। वहीं बिहार में मध्य अवधि की धान की बुआई का काम कर लें किसान। वहीं बिहार के किसानों को सलाह है मूंगफली और मक्का की बुआई का काम कर लें। साथ ही धान की पौध 25 से 30 दिनों की होने पर उसकी खुले खेत में रोपाई कर लें और सावधानी पूर्वक ही रोपाई का कार्य करें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण पश्चिमी और मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो वहीं रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इन तेज हवाओं की। इसके साथ ही रविवार को केरल कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही 2 दिन गुजरात में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही सोमवार को सौराष्ट्र और कच्छ में एकाधुक्का जगह काफी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं 2 दिन कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बरसात हो सकती है। तो रविवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। तो रविवार को पंजाब हरियाणा दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है।
साथ ही रविवार को पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार हैं। तो दो दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो रविवार को पश्चिमी राजस्थान में कद्दोकद जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत।